ईडी मेरे ऊपर रेड करने की तैयारी कर रही है, राहुल गांधी का दावा, बताया क्यों हो रही प्लानिंग। लोकसभा में विपक्ष में नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज बड़ा दावा किया है। राहुल ने कहा कि उनके ऊपर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय छापा मारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा करते हुए कहा कि मैंने जो संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण दिया उसके बाद मेरे खिलाफ तैयारी हो रही है। राहुल ने बजट 2024 को लेकर अपने भाषण में भाजपा के 21वीं सदी के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। राहुल ने कहा कि मैंने जो संसद में भाषण दिया था उसके कारण 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा और ईडी के अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया है कि इसी कारण रेड की प्लानिंग की जा रही है। राहुल ने इसी के साथ ईडी को टैग करते हुए लिखा कि चाय और बिस्किट मेरी तरफ से आपका खुली बाहों से स्वागत है। राहुल ने बजट पर दिए अपने भाषण में महाभारत का जिक्र करते हुए चक्रव्यूह की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे उस काल में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसाया था उसी तरह 21वीं सदी में भी ऐसा ही चक्रव्यूह भारत के खिलाफ रचा जा रहा है और उसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और छोटे किसानों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इस चक्रव्यूह को भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, मोहन भागवत, अडानी और अंबानी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने और जाना तो पता चला कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है जिसका मतलब कमल जैसा निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि इसी का चिन्ह पीएम मोदी अपने सीने पर लगाकर घूमते हैं।